वक्त मैं कह रहा ना लोकसभा की गंगो विधानसभा के गांव माधवपुर में मौजूद हूँ और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, हुक्के का मजा भी ले रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है गांव में। जैसे कि हम गांव दर गांव आपको माहौल दिखा रहे हैं तो उसी कड़ी में आज गांव में पहुंचे जी। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। ताऊ जी क्या माहौल है गाँवों में? जी माहौल बढ़िया है और जी MP साहब ने काम बहुत करवा रखे हैं यहाँ से। MP साहब ने हम चाहें MP साहब का टिकट होना चाहिए प्रदीप चौधरी का, और जी काम में कोई कमी छोड़ रखी। विधायक निधि का इन्हें बताया मरता है, MP निधि का मरता है इन्हें बताया, और जी जितने भी रास्ते बने मंदिर पर टिक रोड लेकर मंदिर तक ही सब इन्हें कराया, जितने हाईवे बन रहे सब इन्हें करवा रखे, हमारा कोई कमी नहीं छोड़ रखी ने। अच्छा आपके गाँव वाँव में कुछ खास काम? गाँव में काम जो भी कराया इन्हें कराया, यानी किसी ने नहीं कराया। टंकी भी लगवा दी, सड़क भी बनवा दी, कोई कमी नहीं छोड़ रखी हमारे यहाँ। बच्चों की नौकरी भी लगवा रखी। अच्छा नौकरी भी लगवाई इन्होंने? हाँ जी हाँ, कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें तो यही चाहिए। आप कह रहे हो कि प्रदीप चौधरी जी, आप कह रहे हो कि विकास करना इन्होंने सिखाया, क्यों पहले नहीं लोग विकास कराते थे? पता नहीं था किसी ने, यहाँ किसी ने नहीं पता था MP MLA क्या करे, सब कुछ ही नहीं सिखाया मरते। अच्छा हाँ जी। अच्छा जब आपके पहले MP MLA होते थे तो उनसे आप मिले कभी, कुछ कहा काम कि ये काम कर दे सड़क बना? उनकी समय बोलने जाता, उनकी समय बोलने जाता, ऐसे थे यहाँ तो। यहाँ तो जो सी पार्टी बने थी अपने घर बैठ जाती, ये गांव में आन के बच्चे बच्चे से मिलकर जाऊँ। अच्छा। सारे गांव में घूम कर जाऊँ, कहीं भी ऐसी कमी छोड़ी ना जो कोई शिकायत कर ले। तो पहले जो MP थे उनसे डर लगे था क्या आपको? हाँ जी डर आज भी लगे पहले क्या आज भी लगे हाँ जी हाँ, उनके से भी बोले लगता। अरे इनके चिपट का काम करवा लें, इनके पास जाएंगे जब भी काम होगा, या यहाँ होंगे जब भी काम देकर जाएंगे। तो MP तो आपके बाबू हुकुम सिंह भी रहे पहले? हाँ जी, उन्हें भी कुछ करे यहाँ से, एक गाँव में सड़क दी थी मुझे वो भी कैसे उनके। तो उधर से शामली की तरफ से भी टिकट मांग रहे मनीष चौहान, तो क्या रहने वाला है अब? कुछ नहीं है उनका यहाँ से, कुछ नहीं है उनका यहाँ। और कह रहे दिल्ली तक की दौड़ लगा दी? कुछ नहीं, दिल्ली तक कहाँ, शामली तक ही है बस। अच्छा दस साल शामली रखी बस, ज्यादा नहीं आगे। तो यही तो कह रहे हो जैसे दस साल शामली बना रखा ऐसा ही इधर के एरिया को बनाएंगे जब सांसद बन जाएंगे? अजी कहीं नहीं बनाता कोई भी, यू काम प्रदीप चौधरी कर सके और कोई नहीं कर सकता बस। जीताओ जी सही कह रहे, क्या कुछ नहीं आएगा उनका? हाँ ठीक है जी, बहुत सही कह रहे हैं, उन्हें तो हम जानते भी नहीं, कहा रहे हैं ना मैं शकल देखी कभी, जब बुलाओगे जब तो जान लेंगे। नहीं बुलावा कर जी, जो हमारे तो ये है यही काम करें, ये हमारे काम में वोट क्यों बुला में मनीष ने हमें देखे भी आज तक, हम तो देखे ही नहीं मनीष आज तक। वीरेंद्र के पास एक बार गए थे काम लेकर, करे नहीं था हमारा बिल्कुल, बोल लिया सुन लो मर लो ऐसा कर देता काम। तो आप काम लेके गए आपने क्या कहा था वहाँ है जी? जब आप काम लेके गए क्या कहा था आपने मंत्री जी को? जो काम कहा ना उन्हें लगाने जाओ, कुछ नहीं है यहाँ से। अच्छा हाँ जी, जो काम था वो बता नहीं सकते, ऐसा काम था हमारे लो वो करें था उन्हें। तो अब तो उनके लड़के भी मैदान में कूद गए? उनके लड़के हमें देखे नहीं आज तक, हमें देखे नहीं आज तक, वो मैदान में होंगे हमें दिखते नहीं मैदान में, जो हुआ वो सारा दिखे हम वो दिखे नहीं आज तक। जी ताऊ जी दिखे नहीं क्या बिल्कुल ही मनीष चौहान? हम तो जानते भी नहीं कौन है मनीष। और सारे गांवों में प्रोग्राम कर रहे जी? कर रहे हो, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जी, यहाँ तो प्रदीप चौधरी ने जाना है जी, हमारे गाँव में जो भी कराया उन्होंने कराया, उसके अलावा किसी ने नहीं कराया यहाँ। अच्छा अच्छा, साल यार लो सड़क बनवाई भी, टंकी बनवाई थी यहाँ से, और जी बरसी तो लेकर हमारे गाँव लो सीसी सड़क बनवाई दी, जो काम करा वो नहीं करा। अच्छा अच्छा, अरे हमारा जो भी उनके लेटर पैड पर बना हुआ जी। तो ताऊ जी इतने काम उन्होंने करवा दिए तो लोग अब भी कह रहे हमारे गांव में नहीं आए, कौन कहे जी? हाँ तो रोज आवे जी, शामली की तरफ से आवाज आ रही है बार बार, यूँ कह रहे हैं शामली बड़ो झूठ बोल रहे हैं जी मैं। अच्छा हाँ झूठ बोल रहे हैं, वो तो घर है उनका, वहाँ तो रहेंगे खैर में, और कहाँ जाएंगे? शामली में 1 लाख से जीत का आता हमारा MP। अच्छा हाँ जी, 1 लाख जीत का आता उनसे। तो अब की बार कितने जितवा रहे फिर? 1 लाख तो ऊपर जीतेगा। अच्छा 1 लाख तो ऊपर जीत होगी। जीताओ जी, माहौल तो गर्म लग रहा, क्या रहने वाला आप सांसद जी का? प्रदीप चौधरी जीतता का अंत है, कोई मनीष है ना जी, 3 बार में विधायक की सीट हार गया, MP कहाँ जीत सक, इतनी लंबी बेल्ट है या कांतरे कांतरे में रहे, और 3 बार अपनी हार गए में, वो भाई या तो सीट फिर हार मचली जाएगी है भाई। ताऊ जी यहाँ आपके कामों में घूम रहे में तो बराबर के कामों में, दो बार में नहीं आ, साढ़े में नहीं आ, तीतरम में नहीं आ, ना उसकी जगह यहाँ सी। तो बुलाओगे जब भी तो आवेंगे? बुलावे जी, जानना पहचाना लाडे में तेरी बुआ, बता बेटे कौन जाने अन्ने, कोई नहीं जानता। मैं तो गांवों में प्रोग्राम करके यूं कह रहे, कांदले सीट में नहीं जानता उन्हें को जी, भूनता है के यहाँ तो 3 सीट पड़ा है, 4 सीट 5 सीट पड़ा है, विधायक विधायक नहीं दिखी, वो कांदले तो है रे, बता बेटे। ताऊ जी मैं तो आपके पड़ोसियों के गांवों में सारे में जाके यूं कह रहे, जैसे सुनो तो, जैसे हमने दसाला बना दिया उधर, पंजोकरा बना दिया, ऐसे ही बना देंगे तेरे गांवों को। तेरा सवाल सही है, जो जी वो पशु मंत्री था कलश्याणी थे उसमें, इनका वो छोकर बटारनी थे, क्या करे उन्होंने सारे कलश्याण लगाए दिए, हमारा कौन सा लगा एक बता दो, एक भी लगा भाई उन्हें तो, उन गए बट रहा, अरे तो अपने कांधे में तो भी हल रहा हो।
एमएलसी है, अब ले लो कुछ काम। हाँ तेरा सही सवाल है, जब एमएलसी है इन्हें इन्हें या एमपी की बीसी ये अरब जी मुकांदरे में रह रहा हो वो एमएलसी बतेरा उन्हें जितने चद्दर उतने पापस है लो फालतू पसा लगा जमाना भी जबत हो जाएगी उनकी वहां भी जमाना जबत हुई कांदले में वही ना मेरे से बताया था। इतनी बड़ी सियासत है उनकी, आप कह रहे जमानत जब्त होगी, मैं तो बहुत इलेक्शन जीत गए। मैंने कह रहा देख लो ठेका कागज जमानत जब्त हो रही उनकी वहां। अरे एमपी की सीट तो बहुत बड़ी है वो कहा जी, सुन ये हरी सीट थी मेरी और प्रदीप चौधरी ने या अपनी कैल ली, कितनी बड़ी बात है। कहीं बुला लो फोन ही बाल करूँ फोन ठावगा और चेक चमार पर झिमर पर कोई कर ले जी गेल लगे आ प्रदीप फोन ठावगा। ये तो विपक्ष है भाई, तो करो जा सामने की तरफ वाले कह रहे तो फोन भी उठाते क्या, हम तो गरीब ला भाई बाल करूँ फोन ये भी ठावगा। अच्छा तुरंत गेल लगी मिनट तो पहलो तो ताऊ जी जब इतने बढ़िया एमपी एक आम आदमी थे प्रदीप चौधरी तो एक कर मिले कते जिक्र अपने घर का हो बेटे बता क्या सेवा और नंबर दो खाता नहीं डिग्री कॉलेज अपने जमीन देकर बनवाया दिया उन्होंने बनवा नहीं बैठे दूधले में। पंजोगरे वाले तो कह रहे प्राइवेट हैं उनमें तो पैसे भी ले रहे और एक बिल ले रहा झूठ बोला विपक्ष तो झूठ बोल लगा है भाई। वो इस पार्टी में जरूर है लेकिन मामला उसका गोल है यहाँ तो दूर दे बोलो सीट है कुंता लेकर करने थे है बिट्टे वो कहाँ करता यहाँ से कुछ भी करने का कितनी जमीन कर ली उनने कितनी प्रॉपर्टी बना ली इस प्रदीप पर बताया क्या प्रॉपर्टी मेरे से सेवा का जिक्र योगी है इक्का ही मारा प्रदीप है और पूछ क्या पूछे बता बेटे। तो जी मनीष चौहान क्यों घूम रहे फिर जब इतना सब कुछ इन्होंने कर दिया घूमने दे इसके घूमने दे कुछ नहीं होता। मैं तो कह रहे टिकट फाइनल हो गया बस 10-5-7 दिन रह गए देख लेंगे जी टिकट उसको फाइनल होगा। अरे सुन तो सरकार कहाँ थी बावली है जी विधानसभा तो है रे में तो कहाँ एमपी तो लड़ लेंगे वे वो तो सीट हारे आ रहे हैं यार और प्रदीप ने यहाँ लड़ाया था कहीं लड़ाया था उनसे जीतते भलापन है सीधापन है लड़का चले आऊंगा बात तो हो जाएगी। अच्छा भाई करो कोई बात तेरा काम होगा अन्नी भाई एमपी जो महाराज अच्छा कर रहा था एमपी एमएलए तो ऐसे बात भी करते थे एक यहाँ मंसूर अली बना था हमारे गाँव में शिकलनी दिखी एक यहाँ से बीजेपी थी बना था नकली सिंह है हमारे गाँव में नहीं अटका भाई पूछो भाई आ क्या आप राज्यपाल है बता और ये तो बेचारा ही खड़िया। अच्छा जी ताऊ जी सारी बात सही कह रहे क्या? ठीक है भाई बिल्कुल सही बस झूठ बोल रहा हूँ मेरे तो बता दो भाई ठीक है बात तो बता दो कुछ आप भी बता दो ठीक है बिल्कुल सही बात है इसकी कुछ काम वाम भी दे रहे सुख दुख में आ रहे कर रहा भाई यहाँ से सारा काम भी कर रहा विधायक प्रदीप जी जल्लाबाद है सारे काम इसी का 30 लाख सड़क बन गई और जी इन तक कच्ची गड्डी थे दो वहां चले गए बड़ोली दो सड़क बन गई मग आस परसों बह मजा आ रहा बन रही भाई रामपुर तो लगाया का गंगो लग बन गई और क्या चाहिए भाई हमने जी। भाई साहब क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव बढ़िया है जी प्रदीप चौधरी जीतेंगे। तो क्या कुछ खास कार्य जो आपके क्षेत्र में कराए हो? खास कार्य यू है जी मेरे यहाँ तो गुड्डो गोरा था जी कभी पहले मेरे पिताजी के टाइम पे और जी जो कुछ भी काम हुआ फिर बाद में सब इन्हीं की देन है बहुत बढ़िया काम कराया। क्यों पहले जो सांसद थे वो नहीं आए क्या गाँव गाँव में? जी पहले का तो देखिए इतनी तो उम्र नहीं है लेकिन जो है जितनी मेरी उम्र है इस उम्र में हमें यू पता लगा यहाँ तो गुड्डो गोरा था और घरे में आना जाना था तो जो भी काम कराया इन्होंने ही कराया यहाँ से। अच्छा। जो देने ही नहीं किया यहाँ से गांव में। अच्छा। और बाहर भी काम करे इन्होंने। तो अब तो चुनाव नज़दीक एक महीना रह गया और टिकटों की दौड़ लगातार जारी चल रही है तो टिकट का भी रहने वाला नहीं कुछ या काम वाम हो गया बस? जी टिकट के बारे में पता हमें जी हमें तो काम का ही है जी काम चाहिए बस। अच्छा तो काम करा रहे तो टिकट होना चाहिए? नहीं टिकट होना चाहिए जी क्यों ना होना चाहिए। और लोग भी मांग रहे और का नहीं होना चाहिए जी इन्हीं का होना चाहिए। अच्छा अच्छा जी ताऊ जी बता दो आप भी कुछ आपने तो सांसद ही बहुत देख ले होंगे मंत्री संतरी पूरे जी काम कर रहे हैं तो बेचारे अच्छे तो लोग और सीधे आदमी हाँ। बढ़िया काम कर काम वाम में मजा भी आ रहा बस यूं ही बढ़िया नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा और उधर वाले टिकट मांग रहे दर्शन भी नहीं होते इंगे तो उसके कभी भी आने का ही नहीं फिर भी वोट तो कहाँ से मिल जाएंगे सब आने का भी नहीं दिखा हमें तो जी जितवाओगे जी भी तो आएंगे अजी कहाँ से जीत जाएंगे मैं जीतेंगे तो यही चौधरी साहब प्रदीप। अच्छा 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 बढ़िया आदमी है हमारा तो कहने का मतलब यू है। अच्छा एक बात हम लगातार देखते हैं आप कह रहे कि मैं जीत के धरने आने के उधर वाले कह रहे हैं परली तरफ जितवाया अभी धरने आ रहे यही आदमी है बस काम के इन्होंने बहुत काम किए। अच्छा यही आदमी है
जीतो जी, क्या लग रहा, माहौल कैसा चल रहा गांव में? माहौल बहुत अच्छा चल रहा जी, बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। खुले कुवाड़ो सब पब्लिक, सब भाई ताऊ चाचा जितने बड़े बड़े रहे हैं, मजे तो समय कुवाड़ भेड़ दिए नहीं भेड़े तो नहीं खुले पड़े रहे, दिक्कत कुछ नहीं है। तो सांसद जी का काम कैसा रहा? सांसद जी का तो काम पहले से ही बहुत अच्छा है जी, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पब्लिक सांसद जी के साथ है और अच्छे व्यवहार हैं और व्यवहार के लिए ही सब पब्लिक खुश है। लेकिन आजकल तो लोग ये कह रहे हैं हम तो चटक मटक नेता चाह रहे जो बिल्कुल बढ़िया कर दें। हाँ मैं बताऊँगा चटक मटक की, मुझे 30 साल हो गए शामली मैंने क्रॉसिंग करते हुए, 30 साल मैं जो है ये जो लड़का जब फोटो लगाता फिर जाती तो फोटो लगा हुआ है 8वें दिन बोला जी, ये मनीष चौधरी तो ये शामली से लेकर लीलोन खेड़ी तक 30 साल हो गए, अगर पैदल चल जाएगा ना आदमी तो मुंह फुटते बिना आने का नहीं, वहाँ से जितनी भी ईंट लग रही ना मैं उसके घर में ही है, बाहर नहीं है जी, जैसे हम कहते हैं शामली में उन बहुत काम कर दिया हमने, मैं ईंट आज लो सही नहीं हुई इस पर, वहाँ से ही मुँह फूट जाएगा आदमी पैदल चल जाएगा, आपने भी देखी होगी। तो ये तो पहले भी MLC हैं, आज भी MLC हैं, पहले मंत्री रहे तो कुछ कराया नहीं था क्या जी? उस पर 1 किलोमीटर का टुकड़ा वो नहीं हुआ लीलोन खेड़ी में, और जाट हैं बेचारे बहुत अच्छे विचार भी हैं उनके, ठहक जितने वहाँ फुट्टे हैं मुँह उन्होंने अपने घर में ले जाकर पानी पिया, मैं खुद मुझे अपने अंकों से देख क्या वो टुकड़ा तो उस पर हुआ नहीं आज लो, तो यहाँ क्या कर देगा इस क्षेत्र में, तो क्षेत्र है पहाड़ तक क्षेत्र है जी हूँ। ताऊ जी मैं तो ये कह रहे कि जो यहाँ गांवों में काम रह गए ना वो जैसे दसाले में करवा रखे और उधर पंजोगरा में करा रखे, फतेहपुर में करा रखे, ऐसे करा दूंगा यहाँ भी। वो शामली तो दसाले में ही है, कितनी दूर पे है शामली दसाले से, वो तो पास में है जी, वहाँ नहीं हुए तो यहाँ कैसे कराया देगा हाँ जी, यहाँ कैसे कराया देगा, यहाँ का तो मतलब ही नहीं हो सकता, क्या विश्वास है जी? छोटा सा एक टुकड़ा एक गाँव है छोटा सा, वो मिला हुआ शामली से लीलोन, उसमें नहीं काम कराया सका तो यहाँ से क्या कराया देगा, यहाँ कुछ नहीं कराया सकता। वो तो टिकटो की दौड़ में लगातार घूम रहे, गांव दर गांव कर रहे हैं, रोज उनकी रैलियाँ हो रही हैं, तो इसका क्या फर्क रहेगा? कोई रैली नहीं हुई इस इलाके में, ना कोई रैली करवानी चाह रहा। अच्छा हाँ जी, कोई नहीं करवानी चाह रहा रैली और ना ही कोई प्रोग्राम, कह रहा कोई हमारे यहाँ से प्रोग्राम है कोई गांव में, हमें तो सुना नहीं थी मतलब। अच्छा हाँ, कोई प्रोग्राम न लेगा ना लेना चेहरा। अच्छा हाँ जी, गांव गाँव में प्रोग्राम ले रहे नहीं मनीष चौहान जी के? मनीष चौहान जी का अगर प्रोग्राम करना चाहेगा तो उनका प्रोग्राम भी होगा, हो जाएगा उसे ऐसी अच्छा, बात नहीं, और अच्छा आदमी है काम करने में, ऐसा जैसा कह रहे अके वीरेंद्र सिंह ने कुछ नहीं करा, चलो पशुधन मंत्री रहे 3.5 साल, मैं बताता हूँ 300+ लड़के हमारे यहाँ से जिले सहारनपुर में से उन्होंने लगवाए हुए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है, आज तक जिले सहारनपुर का कोई नेता ये नहीं बता सकता मुझे 3.5 लड़के अपने ही क्षेत्र या जिले से लगवाए हुए हैं 300+, इतना काम कर रखा उन्होंने। और देखो काम करने वाले तो यहाँ से मेरे MP साहब भी हैं और उनके जो वीरेंद्र सिंह है मंत्री जी रहे पहले, बहुत काम कर रखे, आप भी क्षेत्र में जा सकते हैं, बिजली घर भी नज़दीक है, लगभग अस्पताल भी हैं और काम करने वाले आदमी हैं मैं भी। और रही टिकट की बात, टिकट अगर MP साहब का होगा तो उन्होंने बहुत मिलेगा पार्टी का वोट, अगर मनीष जी का होगा तो उससे भी, देखो उसके तो बात यह है अगर मनीष यहाँ से चुनाव लड़ता है तो मैं अंदाजा करूँ चूल्हा नो तो वोट मिलेगी उन्होंने जिले सहारनपुर में से, और उधर से तो मैं जानते होंगे अपने क्षेत्र में क्या हुआ है। अच्छा हाँ, तो MP साहब का क्या लग रहा है? MP साहब का टिकट हम थोड़े दे रहे भाई, टिकट तो ऊपर पार्टी देगी, जिसे देगी चाहे वो मनीष ने दो चाहे MP साहब ने दो, तो दमदार लड़ेंगे दोनों। अच्छा हाँ, तो मनीष चौहान तो ये कह रहे हैं जैसे काम मैंने उधर करा ऐसे इधर करा दो, एक बार जितवा दो तो इसका मतलब तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि MP साहब ने काम नहीं कराया? नहीं, काम पे साहब ने, देखो मास्टर जी ने इनके पिताजी जो थे कौनपाल सिंह उन्होंने भी काम करे, और यहाँ से ऐसा नहीं है कह दें भाई उन्होंने करवाया, काजी साहब ने भी थोड़ा काम करवाया रखा और विधायक रहे यहाँ से महिपाल माजरा 1 किलोमीटर खड़ुंजा की योजना में मेरे गाँव में उन्होंने भी दिया हुआ है, और जी काम तो लगभग करीब करीब सबने ज्यादा थोड़ा करवाया आज तक, ऐसा नहीं कह सकते हैं कम भाई किसी विधायक ने चाहे विपक्ष का चाहे सत्ता वाला है ना अभी काम करवाया, वो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा काम। जीताओ जी क्या कुछ माहौल है गाँव का? नहीं क्या ना, इनके पिताजी ने प्रदीप के पिताजी ने यहाँ से जितना यहाँ से रास्ता खराब था सब तो पहले उन्हें करवाया यहाँ से, और जी भी यहाँ से गांव में टंकी और जी रास्ते बहुत ज्यादा कोठा पर सामने दिखे। तो अब सांसद जी क्या कुछ कर रहे हैं गांव में? सांसद जी जो कुछ भी कहें वही करते हैं। अच्छा हाँ, टिकट का क्या रहेगा? टिकट तो उन्हें मिलेगा जी, पहले भी 1 लाख थे जी, 3 टिकट उसी का पड़ेगा और किसका पड़ेगा,
टिकट तो और भी मांग रहे जी। तो मांगे करे, सभी मांगे करे, तो मेरा भी जी करे मेरा भी जी करे मुझे टिकट मिल जाए। तो मैं तो लगातार घूम रहे मनीष चौहान, तो कह रहे एक बार हमें तो मौका दे के देखो। अरे वो तो उसकी मर्जी है, सबके तो कहे ये सभी। अच्छा अच्छा, उनके पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह, एमएलसी हैं। मैं भी गांव वाँव में आए, कभी काम वाम दिया ना जी? हाँ दिया मिले नहीं ना जी, यहाँ तो दिया नहीं कुछ। तो आपके बराबर में कह रहे था जी, तो कुछ दिया थोड़ा बहुत? नहीं दिया होगा जी, कौन सा दिया भाई? नहीं मारे इस तरह उस तरह तो लड़े ही नहीं कभी चुनाव में आज तक यहाँ से, ना तो मैं एमपी का लड़े ना भाई विधायक लड़े, तो अपने क्षेत्र में ही सो काम करोगे। हाँ इतना जरूर बताया कि 300 लड़के प्लस यहाँ से लगवा के, नहीं नहीं एमएलसी वो क्षेत्र से अपने से। जिताओ जी, क्या लग रहा है एमएलसी साहब का काम वाम पहले? अब तो एमएलसी है तो ये मनीष का नाम ही लगे सुना, हम तो पहले तो कभी देखा नहीं ना सुना। रही बात इनकी प्रदीप जी की, इनका तो बापू का नाम विकास पुरुष कहलावा था, ये तो नई बात नहीं है भाई। विकास में भी कमी नहीं छोड़ रहा, सादगी है सीधा सच्चा, कोई छोटा बड़ा कसा पकड़ के बैठ जो उसकी बात सुनेंगे और क्या कहेंगे। मैं क्यों पहले नहीं सांसद सुनते थे यहाँ के लोगों की? सांसद जी हम ही नहीं सुन, जब तो हम ही नहीं कहने वाले थे भाई जी, मारे मारे टाइम तो यही आए ना। अच्छा अभी साल तय जी हमने वो संभाली, जब तो यही आए मास्टर जी, यही आए। अच्छा अच्छा, वही थे इसमें क्या था? एमपी तो अभी 5-7 साल पहले और भी थे एमपी, तो पहले से तो पहले विधायक रहे एमपी ने, हम तो जाने भी नहीं थे कौन एमपी हो। कभी चुनाव हो करा जी एक आध बार कोई ना, तो कभी वोट गिरी पहले, जब तो वोट गिरनी शुरू करी जब तक देख रहे हम तो अंदर। हाँ तो टिकट किसका होना जब तो लास्ट चल रहा है? बिल्कुल टिकट तो मेरे एमपी साहब का होना चाहिए, प्रदीप जी का। अच्छा हाँ, मेरा मानना तो ये है। और उनके पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह जी, एमएलसी हैं मौजूदा में, उन्होंने भी कुछ काम वाम दिए इधर की तरफ? यहाँ जी कभी कोई बने नहीं, फिर काम नहीं एमएलसी है अभी तो इधर तो क्षेत्र में। हमें इतना लंबा प्रोग्राम का नहीं पता, इनके कहाँ कहाँ लगे, इनका क्षेत्र है क्या है क्या नहीं, मामला है। 10 साल हो गए उन्हें एमएलसी बने ने, आज तक दर्शन भी नहीं है, काम तो क्या देंगे? मुसलमानों का हम काम भी दे पैसे भी दे। अच्छा हमारे यहाँ कुछ नहीं देते पूरे क्षेत्र में कहीं भी, तो कभी मांग लो सड़क वड़क कुछ मांग ले, किसे पता है लाओ लगे जाता उनके मुझे थोड़ा ये है। अच्छा हाँ, यहाँ तो पहले पत्थर थे चौधरी के लग रहे प्रदीप जी के। अच्छा बस उनका कोई पत्थर या कहीं स्कूल पे कहीं भी दूबड़े जम रहे स्कूलों पे, और मुसलमानों का हम दे ढेर पैसे उसमें स्कूलों में भी दें सड़क भी दें, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। तो आप कहना ही चाहते हो कि जो उनके नाम से स्कूल बन रहे हैं बंद हो रहे हैं? मेरे गाँव में कोई आदमी जानता होगा नहीं, उनको जानता नहीं उन्हें। अच्छा हाँ मनीष ने तो हमें देखे नहीं आज तक कैसा है मनीष, तो टिकटों की दौड़ में सबसे आगे चल रहे जी। कौन चल रहा है? कह रहे लड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। कैसी बात कर रहे, टिकट एमपी साहब का होगा मेरे। मैं तो कह रहे पूरे दमखम से लड़ा जाएगा चुनाव जी, कहीं भी लड़ने के अपने सामने में जीत सकते, यहाँ क्या जीत लेंगे मैं? अच्छा हाँ, और अपनी विधानसभा जीतते नहीं जाए बैठे नहीं करो, और इतनी बार वो विधायक रह गए मरगांग का दीते हरवाया उन्हें, उनकी राजनीति ऐसी है उन्होंने हरवाई और किसे हरवाई थी, अरे मैदान में जाते फिर वो बैठ जाते। अच्छा और तो अंदर खाने हुआ क्या कुछ? अंदर खाने चले उनका काम इमली चल रहा। अच्छा इमली कर रहे हैं, अन्य कोई अधिकार है उनका अगर टिकट मांग रहे हम? अच्छा कुछ मिल नहीं रहा, एमपी का मिल जाएगा उन्हें। अच्छा बताओ, तो यानी अंदर खाने जो कुछ करते हैं ऐसे करके जीतते हैं? बस यही कर रहे हैं काम। अच्छा। हर जगह यही चलता रहे उनका, और एक रहेंगे और सांसद जी का टिकट होगा। 1200 गाँव है सीट में, 160 किलोमीटर लंबी सीट है, वो तो 15 किलोमीटर रन करते काम। अच्छा हाँ, मेरे भाई ने कहा तो लड़के लगवा रखे और पहले जमाने के होंगे ही। अच्छा। इवनिंग कुछ भी 10 साल हो गए उन्हें एमएलसी बने ने, देखा किसी ने यहाँ? बताओ एमएलसी बने 10 साल हो गए, किसी ने किसी भाई ने भी देखे हो यहाँ? तो एक सड़क रह रही है आपके बीच के, मांग लो सड़क। कौन सी दे रखी है मेरे एमपी साहब ने? अरे रह रही है एक सड़क रहेगी, या दे रखी? अच्छा दे रखी होगी, दे रखी। अच्छा हाँ या दे रखी जीताओ जी, ये कह रहे थे अंदर खाने करते हैं तो कुछ ऐसा भी है कुछ? सही बात है, शामली की तीनों विधानसभा ने हर जाए। अच्छा तो एमपी कहाँ तक बढ़ जाएंगे? तीनों विधानसभा हरी हुई शामली की है जी, चिप जाए इतने बड़े चुनाव लड़ते हो फिर इज्जत हुई क्यों नहीं? और हमारे गंगा सिंह हरी थी देख ले, और पर 20-25 हजार वोटों तो हरी थे, प्रदीप जी 90 हजार वोटों जीता फिर एक साल बाद। एक बात बताइए, ताऊ जी कह रहे हैं कि जो बरगांग का हराई भाई उन्होंने हरवाई परले वालों ने, तो ऐसा भी कुछ है क्या सच है? भाई जी जा मैं लिया ये जिम्मेदार है उनके सरगना है, तो फिर तो लोग कहेंगे ये बात है भाई। और यहाँ से मुसलमान गुजरों का काम है खानपुर गुजर, वहाँ तो दे दिए बहुत मोटे पैसे मुसलमानों का काम है, और इनका स्कूल है वहाँ सलारपरे में शायद, उस पर दोबड़ा जम रहा है, वहाँ क्यों नहीं दिए भाई? बंद हो गया वो, वहाँ क्यों नहीं दिए? ये बाल तो ये प्रदेश के एमएलसी हैं, ऐसे नहीं है गले शामली शामली के हैं। अच्छा तो आप वो स्कूल कह रहे सलारपुरे में स्कूल है वो बंद हो गया? दोबड़ा जम रहा है, देख लियो जाकर कर लें मदरसों में, पैंट भी क्या कह रहे मदरसों में करवा रहे पैंट भी
मदरसों में पैसे दे रहे, स्कूलों में दे नहीं रहे? स्कूलों में दे रहे, मदरसों में दे रहे। अच्छा हाँ, इन्हें मुसलमान सी है वो जिता देंगे। अच्छा हाँ, बस और कोई नहीं चाहता। तो गुजरों के गाँव में नहीं कुछ कर रहे? हमारे गाँव में कोई सबित कर रहा है, हम नहीं आज तक दिखा भी नहीं कहीं। तो आप ये कहना चाहते हो कि मुसलमान के स्कूलों में पैसे दे रहे और गुजरों के लिए पैसे नहीं है? है नहीं, कहीं भी नहीं है। और मास्टर ने यहाँ से स्कूल दे रखे, प्रदीप ने दे रखे, हद कर रखी, कहीं तो कहीं लोग कमी छोड़ रखी, जो कमी कर दो उनकी कहीं भी कमी लगने की। जीताओ जी, सच आएगा जी, कुछ दे नहीं रहेगा गुजरों को। सही करे जी, बिल्कुल। यहाँ तो एम पी साहब ने दिया, जो भी दिया, और किसी ने नहीं दिया आज। लोग भी बस इनके पिताजी ने काम करवा या इन्हें करवा, और किसी ने नहीं करवा जी। साहब क्या लग रहा है, आप भी बता दो कुछ। मैं क्या बताऊं जी, तो बताई दिया ना, जो बताना था सारा बस इन्हें बताई दिया। काम काज कैसा चला? काम बहुत बढ़िया चला है जी, एमपी साहब ने बहुत काम किया। हाँ जी, गाँव वाँव में आते जाते रहे? हाँ जी, आते रहे जी, दुख सुख में भी आवा है, लड़का भी आवा है, उनका भी आवा है। बढ़िया काम चले। वीरेंद्र नु कर उसने बस सबरे मान जा, मान जा नहीं मान रहा, और जी बाप की नहीं मारी काम आने लगा। अच्छा जी, माधो पर उसने पूछ लिया, माधो पर काम कहाँ, साल यार कहाँ, पते पर कहाँ, मंडोरा कहाँ, बरसी कहाँ, बता यहाँ जगह हो। तंजीब अपने बाप की नहीं मान रहा हो, बाप ने कहा भाई 10 साल हो गए अब एल सी बन रहा, मेरी इज्जत बनी बनाई है, जो तू है बिरादरी भाई है। अच्छा। लेकिन भाई वो लमदा नहीं, मैं लमदा भाई पर मानता भी नहीं, दी छो दिया। अच्छा, खत्म हो जाए जब बाप की नहीं मानता, खत्म हो जाए वो। तो आप ये कहना चाहते हो उनके पिताजी कह रहे भाई रुक जाओ, टिकट ना लो? मुझे फोन करे परसों मगर यार यार, अगर तो वीरेंद्र तो क्यों करे मंत्री जी भाई, तो टाल खड़े हैं तो क्यों इनमें छत्ते मार दे रहा, अगर फिर वो छत्ते मार दे रहा बाप की नहीं मान रहा, हम मार लेंगे उसकी। ये तो लंडियार है। अच्छा। लंडियार कुछ जो मेरे बुजुर्ग कहेंगे हमने चलना पड़ेगा, ये हमारा बाप बाप बेचारा। वो तो ये कह रहे युवा तो मेरे साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए बस मुझे, हो गया काम। सुनो बात सुन बेटे, अगर हम बड़ों की नहीं मान लेंगे, युवा क्या करेंगे, पल्ले जमीन नहीं निके, जो कुछ है मेरे नाम है, रोटी तो मिल रही, गलत तो नहीं कह रहा भाई, जो बड़े मानने बड़े कहेंगे उस पर ही चलना चाहिए, वही इंसान है बेटे। अच्छा, बस ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद बहुत बहुत।